तो इस क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, वाटर वेट्स यू एंड मी बट नॉट डक्स, ठीक है। वेट का मतलब क्या हुआ? वेट का मतलब क्या हुआ? फैल जाना, ठीक है। तो हम दूसरे इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लो मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, उसके ऊपर पानी डाले तो पानी पूरे ग्लास से फैल जाता है। लेकिन सपोज करो तुम्हारे पास घुइया का एक पत्ता हो या कोई लीफ हो जिसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, उसके ऊपर पानी डाले तो पानी एक ड्रॉप बना करके बीच में बैठ जाएगा, पूरे पे फैलेगा नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे ग्लास को वाटर वेट कर लेता है, जबकि किसी लीफ जिसके ऊपर वैक्स की कोटिंग है उसको वेट नहीं करता। ये क्यों हो रहा है अभी आगे चल करके बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा इसके अलावा और बहुत चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कोई लैंप जलाते हैं, अब तो जलाते नहीं, पहले केरोसिन के लैंप जलाते थे, तो जो बत्ती होती थी उससे तेल ऊपर उठ करके आ जाता था। तो तेल क्यों ऊपर उठ करके आ जाता है? ये हमने कहा कि सपोज करो जब क्या कहते हैं, मेरे पास कोई जो पेंटिंग करने वाला ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं जब वो सूखे होते हैं, लेकिन अगर पानी में डूब करके निकालोगे तो आपस में चिपक जाएंगे। तो कौन सा फोर्स है जो इन ब्रसल्स को आपस में चिपका दे रहा है? ये सारे फोर्स जो हैं ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में क्लास 11th में की थी, ठीक है। तो मैं उस चीज से चीज़ों को रिलेट करना चाहूँगा, तो हम लोग क्लास वीडियो पे करेंगे। तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि सपोज करो ये मेरे पास लिक्विड है, मानो लिक्विड वाटर है, ठीक है। तो कोई ऐसा वाटर का पार्टिकल जो कि बल्क में है उसके ऊपर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्सेस सब तरफ लग रहे हैं, यानी कि इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर यही पार्टिकल सरफेस पे बैठा हुआ है तो इसको नीचे की तरफ तो वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर तो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल ऑब्वियसली क्योंकि गैस है उतने नहीं अट्रैक्ट करेंगे जितने वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो फोर पार्टिकल है इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्या कोशिश कर रहा है कि पानी के अंदर चला जाए, ठीक है। जब पानी होगा तो कोई ना कोई तो सरफेस होगी ही ना किसी को तो, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जैसे मान लो देश में हम लोग यहां पर बीच में रह रहे हैं तो हम लोगों की लाइफ बहुत चिल है, लेकिन जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं उनको लगातार गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो चाहते होंगे कि हमारी बॉर्डर से छुट्टी मिल जाए, हम जाकर के घर में अपने गांव में रहें। लेकिन अगर देश है तो किसी ना किसी को तो बॉर्डर पे रहना ही पड़ेगा, ऐसे ही किसी ना किसी पार्टिकल को तो सरफेस पे रहना पड़ेगा। तो जो सरफेस पे पार्टिकल है उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है। अब एक पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की बात करना बेवकूफी है, बिकॉज वो तो बहुत ही मिनिमल सा फोर्स होगा। तो ये लोग क्या कहते हैं कि सपोज करो मैं 1 मीटर लंबी एक लाइन खींचू, तो इस लाइन में ढेर सारे पार्टिकल होंगे, इन सब पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस सारे फोर्स को ऐड कर दूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लग रहा होगा वो सरफेस टेंशन एस कहलाएगा। यहां तक कोई समस्या? पक्का? ये एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो जैसे वाटर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, और एसीटोन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसका सरफेस टेंशन कम होगा। हम इस तरह की बातें कर सकते हैं, बाकी आगे चल करके करेंगे। या वाटर में ही 20 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, लेकिन हीट करके 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी होगा, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से सरफेस टेंशन कम हो गया, ये सरफेस टेंशन, ठीक है। अब इन्होंने एक दूसरा कंसेप्ट डिफाइन किया सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या कहते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है, जो कि गोल सी है। अगर ये गोल होने की बजाय अपने आप फैल करके ऐसे लंबी सी हो जाए, मतलब अपना सरफेस एरिया बढ़ा ले, तो क्या होगा
कि जितने पहले पार्टिकल सरफेस पे बैठे हुए थे अब उससे ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे बैठे हुए हैं। अब क्या है, अगर ज्यादा पार्टिकल मुझे बिठाने हैं तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि उनको अंदर खींच रहा था उसके अगेंस्ट वर्क करके उनको सरफेस पे ले जाना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जब मैं ए को ए से ए प्लस डेल्टा ए करूंगा तो मुझे कुछ डेल्टा डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब ऑब्वियसली वर्क तो भाई डिपेंड करेगा कितना एरिया बढ़ाया, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, अगर मान लो मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ाया तो कितना वर्क करना पड़े, यानी कि वर्क डन पर यूनिट एरिया जो हो जाएगा इसको सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग 2 मिनट रुक करके एक चीज देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क पर यूनिट एरिया। तो दोनों के डायमेंशन सेम है, ना सिर्फ डायमेंशन सेम है, जबकि अभी 1 मिनट रुक करके देखेंगे वास्तव में एक ही चीज है, उसी एक चीज को डिफाइन करने के 2 अलग अलग तरीके होंगे। ठीक है, तो अभी एक बार करके देखते कैसे सेम चीज है। तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास एक यू शेप का वायर का फ्रेम है, ठीक है, जिसके ऊपर एक इस तरीके से वायर की रॉड लगी हुई है, ठीक है, और मैंने इसको साबुन में डाला और बाहर निकाला, जिसकी वजह से यहां पर कोई एक फिल्म बनी हुई है, ठीक है, इसका एरिया ए है। ठीक है, अब मैंने ए से इसको बढ़ा करके आगे ले लिया, ठीक है, तो मेरे एरिया ए से ए प्लस डेल्टा ए हो गया, जहां पे ये वाला एरिया डेल्टा ए हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस काम में मैंने जितना वर्क किया वो डेल्टा डब्ल्यू निकाल लूंगा और डिवाइडेड बाई डेल्टा ए कर लूंगा, यही सरफेस एनर्जी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ। तो ये कहते हैं यार जब ऐसी मेरे पास रॉड है ना, तो सरफेस टेंशन एस क्या था, फर्स्ट पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो अगर इसकी लेंथ एल है तो जो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वो एस इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, ये बात गलत है, ये ट्वाइस ऑफ एस इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एक नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास कोई फिल्म बनाऊंगा तो उसपे 2 सरफेस हैं, मैं फिल्म बना रहा हूं तो एक सरफेस मेरे सामने की तरफ है और एक सरफेस पीछे की तरफ है, तो जो मॉलिक्यूल सामने वाली साइड होंगे उनके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा और जो मॉलिक्यूल पीछे की साइड होंगे उनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इसलिए जो फोर्स हो जाएगा वो एस इंटू एल नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ एस इंटू एल होगा। ये मेजर गलती का कारण है। ठीक है, लोग ये गलती बार बार करते हैं कि वो फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन समझ करके उसको एल से मल्टीप्लाई करके फोर्स लिख देते हैं, जो कि सही होता अगर एक फिल्म होती, एक सरफेस होती, लेकिन चूंकि यहां पर 2 सरफेस हैं इसलिए फोर्स उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2s into l फोर्स है और मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा एक्स है, तो इंटू डेल्टा एक्स कर दूं तो ये मेरा डेल्टा डब्ल्यू है। ठीक है, अब मैंने जब इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है तो मैंने नया एरिया कितना क्रिएट किया, डेल्टा ए नहीं, हमने ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए एरिया क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि जब मैं डेल्टा ए से फिल्म बढ़ाऊंगा तो डेल्टा ए सामने क्रिएट होगा और डेल्टा ए पीछे क्रिएट होगा। बस समझ में आई? मान लो मेरे पास 4 और 3 उंगली थी, ठीक है, जब मैंने 4th उंगली खोल करके सामने बनाई तो ये सरफेस तो बनी ही, लेकिन यहां पे भी तो एक दूसरी सरफेस बन गई ना। जब मैं इसको खींच रहा हूं आगे तो मैं खाली एक तरफ ना खींच रहा हूं, इधर भी फिल्म बनेगी, पीछे भी सरफेस बनेगी, फिल्म की तो 2 सरफेस होंगी ना, तो इसलिए जो नीचे एरिया का इंक्रीज हुआ वो डेल्टा ए नहीं हो गया, वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए हो गया। तो ये ट्वाइस से ट्वाइस कट गया, इस डेल्टा ए को मैं डेल्टा एक्स इंटू एल लिख लूंगा, तो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स करके एल से एल कर गया, तो उस वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, यानी कि जो मेरी सरफेस एनर्जी हुई
वो एस के ही इक्वल होंगे, जो कि सरफेस टेंशन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? मतलब जो भी काम किया डिवाइडेड बाई जो भी एरिया बढ़ाया, ठीक है ना। अब एरिया हमने डेले बढ़ाया नहीं, हमने एरिया ट्वाइस डेले बढ़ाया, ये चाहे डेले की वैल्यू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स इंटू एल लिख लो, जो भी लिखना चाहो। तो जो मैंने नेट एरिया बढ़ाया वो डेल्टा एक्स इंटू एल नहीं था, वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स इंटू एल था, इसलिए वो ट्वाइस ट्वाइस कट गया। तो सरफेस एनर्जी पहले भी एरिया जो एक साइड के दोनों साइड, हाँ वो भी था, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम तो नया वर्क कितना किया, नया एरिया कितना बढ़ा है, उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यही इन्होंने देखो फिगर 10.16 में दिखाया कि जो बल्क में मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, वही फोर्स इन्होंने बताया। और फिर उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं फिल्म बनाऊं तो उसके ऊपर एक फोर्स एफ लगेगा, ठीक है, जिसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एफ मुझे लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। जो मुझे वर्क करना पड़ा वो ट्वाइस ऑफ एस इंटू टू डी इंटू एल हो गया। डी डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं डेल्टा एक्स लिख रहा था उसको उन्होंने डी लिख लिया, तो एस एल का डबल इंटू डी, ये तुम्हारा वर्क डन हो गया। ठीक है, और यहां से एस की वैल्यू एफ डी बाई टू डी एल हो गई, जो कि एफ अपॉन टू एल हो गई, जो कि सरफेस टेंशन के इक्वल हो, यहां से वो बात आ गई थी ना, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन एक बराबर हो गई, ये बात निकल करके आ गई। तो अब इन्होंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई, ठीक है, सॉरी एक छोटी सी बात से पहले बताओ फिर बात करते हैं। अब यहां जब मैंने सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन की बात की तो मैं एक चीज बताना भूल गया, ठीक है, कि सरफेस हमेशा दो चीजों के साथ मिलकर के बनेगी। ठीक है, तो सपोज करो ग्लास, ये जो वाटर था इसके सामने एयर थी, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, दूसरी तरफ एयर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो दूसरी तरफ ग्लास होता, तो ग्लास जैसा तुमको मालूम है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, इसमें ऑक्साइड आयंस होते हैं जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो एयर तो वाटर को नहीं खींचती, लेकिन अगर ग्लास होता तो वो वाटर को खींचता। तो वाटर और एयर के लिए जो सरफेस है उसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि वाटर इधर खींच रहा है। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान की सरफेस पे बैठे हैं, सरहद पे बैठे हैं, तो हमारे ऊपर लगने वाला जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो हाई होगा। और इंडिया भूटान की सरफेस पे बैठे हैं तो भूटान वाले बढ़िया दोस्त हैं हम लोगों के, ठीक है, तो बढ़िया मस्त मजे पे जीवन कट रहा है, तो वहां पे सरफेस टेंशन कम होगा। तो जो सरफेस टेंशन है ये नहीं कहेंगे कि अरे यार जो आदमी बॉर्डर पे बैठा है, ऑब्वियसली क्योंकि नेट नेट फोर्स अगर दो चीजें हैं, जैसे मान लो ऐसा होता कि भूटान वाले इतना ज्यादा हम लोगों को प्यार करते कि इंडिया से ज्यादा प्यार भूटान में मिल रहा होता, तो क्या होता, समय के साथ इंडियंस भूटान पहुंच जाते, भूटानीज इंडियन में आ जाते और बॉर्डर खत्म हो जाता, सो एज टू से चीजें मिल जाती। तो जैसे मान लो पानी और अल्कोहल है तो उसमें सरफेस ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उधर अल्कोहल से भी प्यार है, इधर वाटर से भी फोर्स मिल रहा है, तो ऐसी चीजों की तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मान लो पानी और ग्लास है या पानी और एयर है, तो वहां पे कुछ सरफेस टेंशन होगा, लेकिन पानी और एयर के बीच में ऑलमोस्ट ज्यादा होगा, पानी और ग्लास के बीच में कम होगा। तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन शब्द है वो सरफेस पे डिपेंडेंट है और सरफेस एक चीज नहीं है। अब हम लोग बार बार अपनी पढ़ाई में बात करेंगे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ना, तो सामान्य रूप से जब मैं सरफेस टेंशन कह रहा हूं तो इसका मतलब है सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ज्यादातर चीजें एयर के साथ सरफेस बना रही है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर कह रहे हैं कि कहीं पर मान लो वाटर और ग्लास के बीच की सरफेस है, जब लिख देंगे तो जैसे मैं कहूं सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ग्लास, तो इसका मतलब मेरी दो फेज क्या है, एक तरफ वाटर एक तरफ ग्लास है, और अगर कह रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर तो इसका मतलब दूसरी चीज बाई डिफॉल्ट एयर है।
तो उन्होंने ये दो पॉइंट बड़े बड़े लिखे जो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं। पहली बात क्या है, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दोनों एक ही चीजें हैं, एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द प्लेन ऑफ द लिक्विड एंड एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे पानी है, पानी हवा के साथ भी सरफेस बना सकता है। पानी के ऊपर मान लो सरसों का तेल डाल दूं तो पानी किसी दूसरे लिक्विड के साथ भी सरफेस बना सकता है, और पानी अगर ग्लास में रखा है तो पानी किसी सॉलिड के साथ भी सरफेस बना सकता है। इट ऑल्सो इज द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल एट द इंटरफेस हैव एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर। ठीक है, अब इसमें यही समस्या वाली बात हुई कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का मुझे पता नहीं है, तो इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया इज द राइट वर्ड, इन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया। इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक मीटर स्क्वायर में जितने मॉलिक्यूल हैं उनकी जितना एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सरफेस टेंशन है या सरफेस एनर्जी। सर हाँ, ये जो फोर्स है ये जो है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सर, वाटर की कम होती है सर मरकरी से। अभी बात करेंगे, रुक जाओ यार, अब आएंगे ना उस टेबल पे, ज्यादा परेशान ना होना ना। ठीक है, फिर कह रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिसाइड द बाउंड्री वी कैन ड्रॉ अ लाइन एंड इमेजिन इक्वल एंड अपोजिट सरफेस टेंशन फोर्सेस एस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू। बहुत गंदी अंग्रेजी लिखी है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं इंटरफेस पे एक लाइन खींचो, तो ऑब्वियसली लाइन जितनी लंबी होगी उस पर उतने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि उस पर लगने वाला फोर्स होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो उस लाइन पे लगने वाला जो फोर्स है उसको लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो सरफेस टेंशन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा होगा, मतलब एक तरह से देखें अगर सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर बल कितना फोर्स लगा रहा है तो बल के ऊपर सरफेस का मॉलिक्यूल भी, न्यूटन थर्ड लॉ तो लगेगा ही ना। अगर न्यूटन अगर क्या कहते हैं सरफेस के ऊपर कोई लाइन है उसके ऊपर बल्क नीचे उसको नीचे खींच रहा है तो भाई न्यूटन थर्ड लॉ लाइन बल को ऊपर खींचेगी, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो सरफेस टेंशन है। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने टेबल 10.3 दे दी जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं तो इन्होंने क्या किया, तमाम तरह की चीज़ें दी, उनके सरफेस टेंशन दिए और साथ में हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दी। ठीक है, हाँ, तो टिपिकली जिन चीज़ों की हीट ऑफ वेपराइजेशन कमज़ोर है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, उनमें सरफेस टेंशन की वैल्यू कम है। ठीक है, जिन चीज़ की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है उनमें सरफेस टेंशन ज्यादा है। ठीक है, करीब करीब इस तरह की बात कर सकते हैं, हालांकि वो दो अलग अलग फिनोमना है तो ऐसा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखें कि भाई इथेनॉल और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन करीब करीब बराबर है जबकि इनके सरफेस टेंशन में काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरफेस टेंशन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड है। अब जो तुम बात कर रहे थे, मरकरी में मेटालिक बॉन्डिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए उसका सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, हाँ तुम कुछ कहना चाह रहे थे। सर वाटर में कहते हैं जब गैस भी होगी और कहते हैं वाटर, तो भैया वो वाटर और उस गैस का, जब मान लो पानी में मैं अमोनिया का एक बल्ब बुलबुला बनाऊँ, मतलब वाटर ही गैस, हाँ तो उसमें हो सकता है सरफेस टेंशन कम हो, और वाटर में मान लो मैं मीथेन का बुलबुला बनाऊँ तो हो सकता है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो, लेकिन वो उनके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम जब सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तो वाटर का एयर के साथ क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक छोटी सी बात कही, फ्लूइड विल स्टिक टू अ सॉलिड सरफेस। ये जो बात है मैं दो मिनट रुक करके बता देना चाहता हूँ, बिकॉज इस चीज को समझाने के लिए जो बाद में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाली बात है ये ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, तो उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने फिगर 10.18 में एक डायग्राम बना करके दिखाया है जिसमें ये कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करें। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सपोज करो मुझे सरफेस टेंशन मेजर करना है तो मैं एक रेक्टेंगुलर शीट लूँगा और उसको लिक्विड में डुबो दूंगा। जैसे देखो इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिक्विड में एक रेक्टेंगुलर शीट डुबो दी है। ठीक है,
अब उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ डब्लू वेट रखूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो सरफेस टेंशन जैसा कोई फोर्स ना होता तो जो मुझे वेट रखना पड़ता वो कितना होता, mg के इक्वल होता। अगर मतलब मेरा बैलेंस दोनों तरफ से इक्वल लेंथ का है तो जितना वेट इधर उतना वेट उधर रखोगे तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये पाते हैं कि मुझे mg से थोड़ा ज्यादा फोर्स वेट रखना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरी साइड सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है। अब जितना आसानी से उन्होंने एग्जाम ये डायग्राम बना करके दिखा दिया, रियल लाइफ में ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि जैसे तुम देखो सरफेस टेंशन की वैल्यू वाटर के लिए आ रही है 0.0727 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर लेंथ एक मीटर की भी मिल जाए मुझे, जो कि काफ़ी बड़ी लेंथ है, तो भी जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0.07 न्यूटन का, ठीक है। और 0.07 न्यूटन का फोर्स मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो जैसा इन्होंने डायग्राम बना दिया, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आईआईटी में हमारे पास एक इक्विपमेंट था 1.5 करोड़ का इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बट आइडिया यही है कि मुझे एक प्लेट जो कि पानी में डूबी हुई है उसको अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो mg से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर उसको सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से खींच रहा है। वही एक्स्ट्रा फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो इन्होंने देखो यहाँ पर बात कही कि वो जो एक्स्ट्रा फोर्स अगर W है तो उस W को 2L से डिवाइड किया। 2L से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि फिर अगर मान लो मेरे पास एक शीट है जो कि पानी में डूबी हुई है तो L लेंथ इधर है और L लेंथ इधर है, दो साइड है ना। ये बात हमेशा ध्यान देना, जब भी इंटरफेस बनेगी, जैसे मान लो एक स्टील की पतली सी प्लेट मैं पानी में डुबो करके खींचने की कोशिश करूं तो सरफेस एक स्टील और वाटर की नहीं होगी, एक इधर दीवार होगी और एक उधर दीवार होगी, ठीक है ना। बल्कि अगर मान लो ये क्यूबॉइड टाइप की चीज होती तो 2L प्लस 2B होती, लेकिन पतली शीट है इसलिए ब्रेथ को नेग्लिजेबल मान ले रहे हैं। तो जो जो मुझे इंटरफेस की लेंथ मिल रही है वो पैरीमीटर होगा जो कि करीब करीब 2L के इक्वल हो जाएगा। इसलिए सरफेस टेंशन का जो फोर्स है W उसको 2L से डिवाइड कर दिया तो वो सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस तरह के इसके सवाल बहुत सिंपल होंगे कि भाई एक रॉड थी उसको हमने अदरवाइज बैलेंस कर रखा था, जब पानी डाल दिया उसको बैलेंस करने के लिए 0.007 किलोग्राम का वेट अलग डालना पड़ा, तो बताओ सरफेस टेंशन कितना है। तो वो जो भी mg था उसको 2L से डिवाइड करके बता देंगे। तो न्यूमेरिकली बहुत आसान सवाल है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना छोटे वेट को मेजर करना मुश्किल है। सर, आप कह रहे हैं उसे वैसे ही वो किया हुआ है, बहुत मुश्किल काम है, इस चक्कर में ना पड़ो इसको कैसे मेजर करते हैं ना। मैं बॉस के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं इसलिए मैं तुम्हें गलत जवाब भी नहीं देना चाहता। और ऑब्वियसली 1.5 करोड़ की मशीन है तो उसको ऐसा नहीं है कि ऐसे तराजू जैसा बना कर दिखा देंगे, बट कंसेप्ट इज कि जितना भी फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए mg का चाहिए था उससे कुछ एक्स्ट्रा मास और रखना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। वो जो भी एक्स्ट्रा फोर्स है डिवाइडेड बाई जो भी तुम्हारी पेरीमीटर है जो कि यहाँ पर 2L है, वो तुम्हारा सरफेस टेंशन का फोर्स। सर, तो उस जो मतलब मशीन है उसका वो क्या होगा प्रिंसिपल? क्या आप बात कर रहे हो, वो मशीन हम लोग जब 1.5 करोड़ की मशीन बनाने लायक हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। उसका प्रिंसिपल यही होगा, किसी तरीके से फोर्स मेजर करेंगे और लेंथ से डिवाइड कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर 0.07 न्यूटन का फोर्स है, मैं तुमको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि तुम इस चीज फंस गए, जैसे मेरा वीडियो खराब हो रहा है, ग्लास की स्लिप होती ना, कवर स्लिप, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ की चीज ऐसे पानी में डुबोते थे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की दो साइड मिलकर के 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर को 0.0727 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0014 न्यूटन का फोर्स होगा। अब तुम सोचो 0.0014 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, उसको कैसे मेजर करते होंगे। यही जीवन में समस्या, और कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। चलो अगला जो कंसेप्ट आया ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समय दे करके बात करते हैं, तो हम फिर से इसको वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है।
मान लो मेरे पास ये एक ग्लास की शीट है जिसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप डाले ना, तो पानी ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो इसी ग्लास की शीट के ऊपर एक थिन लेयर वैक्स की लगी हुई है, ठीक है ना, जैसे पत्तियों के ऊपर वैक्स की लेयर होती है, तो इसके ऊपर पानी ऐसे घूम जाता है, ठीक है ना। या किसी ग्लास की शीट के ऊपर एक मरकरी की ड्रॉप रखी हुई है तो वो ड्रॉप ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है कि ग्लास के ऊपर पानी फैल जा रहा है जबकि वैक्स के ऊपर पानी फैल नहीं रहा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सा सिद्धांत है, हो क्या रहा है, ग्लास के पास दो ऑप्शन है, कि या तो अपनी सरफेस एयर के साथ बनाए या अपनी सरफेस वाटर के साथ बनाए, ठीक है ना। मान लो अगर ये इसको इस तरीके से ढकेल देती तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी से कहा तुम साइड हो, हम अपने साथ कॉन्टैक्ट एयर का लेना चाहते हैं, और इसको फैला देती इसका मतलब एयर से कहा तुम साइड हो, हम पानी के साथ सरफेस बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। ग्लास के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपने कॉन्टैक्ट में ज्यादा ज्यादा पानी कर ले विद रिस्पेक्ट टू एयर, या अपने कॉन्टैक्ट में ज्यादा ज्यादा एयर कर ले विद रिस्पेक्ट टू पानी। तो ऑब्वियसली जब ग्लास और पानी है तो जैसे मैं तुमको बताया ग्लास मेनली सिलिकेट्स या एल्युमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जो कि ऑक्साइड है, जो कि वाटर के साथ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, इसलिए पानी उनके ऊपर फैल जाएगा, वो हवा को साइड करेगा, कहेगा तुम साइड हो, हम इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, हम इनके ऊपर फैलेंगे। लेकिन जब तुम इसके ऊपर वैक्स की लेयर लगा लोगे तो तुम्हें मालूम है वैक्स जो है वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर और वैक्स के बीच में अच्छी दोस्ती नहीं होती है, तो वाटर कहेगा हमें इसके ऊपर नहीं फैलना, तो हवा कहेगी चलो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस को किसी न किसी को बनानी है, ठीक है। तो ये एंगल ऐसा होगा या ये सरफेस ऐसी होगी, ये किसी पर डिपेंड करेगी कि ग्लास और वाटर के बीच में कैसी दोस्ती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ग्लास और एयर के बीच में कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और टू सम एक्सटेंट एयर और बिकॉज जब इधर फैल रहा है तो एयर और वाटर के बीच का भी एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है। अब इसको इन्होंने एनसीईआरटी में क्या कहा, ये कह रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास एक ड्रॉप है, इसको मैं सॉलिड कहता हूं एस, इसको लिक्विड कहता हूं एल, और इसको गैस कहता हूं जी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मतलब ये परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड है, एक यहां पर एक डीएल टाइप की लेंथ ले लूं, डीएल लेंथ ऐसे है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि सरफेस टेंशन ऑफ गैस लिक्विड इनटू डीएल है, ठीक है। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इनटू डीएल है, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड गैस इनटू डीएल है। तो ये डीएल 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 तो कट गए, तो एसेंशियली मेरे पास तीन वेक्टर हैं, ठीक है, कौन सा, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड गैस, और सरफेस टेंशन ऑफ गैस सॉलिड या सॉलिड गैस, जो भी कहना चाहिए, ठीक है। वो पहली बात तो जो लेंथ है उसी को मैंने डीएल कह दिया, तो टू डीएल की कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये, यहां पर दो इंटरफेस नहीं है, है ना, यहां बाउंड्री तो एक ही है। जैसे मान लो मैं इसको टॉप व्यू देखूं तो ये ग्लास की शीट है, इसके ऊपर ये ड्रॉप ऊपर से दिखाई दे रही है, मैंने ये छोटा टुकड़ा डीएल ले लिया, तो यह कहा टू डीएल है, ठीक। अगर पानी ऐसे ही बना करके रखा है ऐसे ऐसे
तो ये जो मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया ये तो डीएल ही है ना, पर अगर वो 2DL होता भी तो कट जाता, कोई फर्क नहीं। खैर तो बेसिकली हम ये बात कहते हैं कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो जो वर्टिकल फोर्स है वो तो ग्रेविटी से बैलेंस हो सकता है। भाई नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल केस में क्या होता है, mg इज इक्वल टू n, ठीक है, तो n mg होता है, अगर तुम ऊपर थोड़ा खींचोगे तो n की वैल्यू mg से थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो फोर्स बैलेंस करने वाला कोई चीज है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब लोगों ने कहा कि सरफेस टेंशन ऑफ गैस एंड सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड प्लस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैस इनटू कॉस थीटा, ठीक है। यहां से क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई सरफेस टेंशन ऑफ गैस सॉलिड माइनस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड गैस, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड जो कि गैस से कम सरफेस टेंशन रखते हैं, यानी कि एयर जितना नफरत करती है सॉलिड से, लिक्विड उससे कम नफरत करता है, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस रखता है, उसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। मैं क्या कहूंगा, अगर ये टर्म ग्रेटर देन जीरो है तो न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, न्यूमरेटर तब कब ग्रेटर देन जीरो होगा, जब सरफेस टेंशन बिटवीन गैस एंड सॉलिड इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि गैस और सॉलिड में झगड़ा ज्यादा है, लिक्विड सॉलिड में झगड़ा कम है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव का मतलब है थीटा एक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हम कहेंगे कि वेटिंग हो रही है, यानी कि मेरी सरफेस ऐसी दिखाई देगी। और अगर इसका उल्टा चीज है, सॉलिड के साथ लिक्विड ले आओ तो ज्यादा झगड़ा है, सरफेस टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर जो सरफेस हो जाएगी वो ऐसी, ठीक है, ये डिबेटर लेस। तो कौन सी चीज वेट कर रही है और कौन सी चीज वेट नहीं कर रही है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड एयर से कम सरफेस टेंशन वाला है सॉलिड के साथ, या लिक्विड एयर से ज्यादा सरफेस टेंशन, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था वही इक्वेशन है, 10.26 इक्वेशन बन करके आ गई तीनों फोर्स बैलेंस करके, कॉस थीटा की वैल्यू कब नेगेटिव हुई कब पॉजिटिव हुई, ये सारी बातें इन्होंने इसी में कर ली, ठीक है ना, ठीक है। अब इन्होंने एक छोटी सी बात और कर दी, इन्होंने कहा जैसे मान लो पानी में हम सर्फेक्टेंट डाल दें, ठीक है, आज तो पानी है और दूसरी बात क्या है, पानी में साबुन मिला दें, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सर्फेक्टेंट जैसी चीज़ें जब सरफेस पे आती हैं तो वो एक तरह से कैसे लोग हैं, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा है तो कोई ऐसा आदमी बुला लें, अमेरिका वाला एक आदमी आके सामने खड़ा हो जाए जो इंडिया वालों के साथ दोस्ती कर सकता हो, पाकिस्तान वालों दोनों में आपस में बातचीत करा देता हो तो झगड़ा सुलझाने वाला आदमी, ठीक है, मिसल भी एक चीज़ है। तो सरफेस सरफेस एक्टिव एजेंट ऐसे होते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है सोप, सोप क्या है, सोडियम स्टीयरेट जैसी चीज़ें हैं जिसका एक एंड हाइड्रोफिलिक है वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक हाइड्रोफोबिक है वो एयर के में चला जाता है, तो चूंकि सरफेस टेंशन को कम कर देता है इसलिए क्या हो जाएगा, जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि वेटिंग बढ़ा देगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैं पानी से कपड़ा धोऊं तो जितनी अच्छे से कपड़ा पानी को गीला करेगा, पानी पकड़ कपड़े को गीला करेगा, अगर उस पानी में थोड़ा सा साबुन मिला दूंगा तो वेटिंग और अच्छी हो जाएगी, उसको और अच्छे से गीला करेगा और फिर धुलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, मान लीजिए अगर जो है टेंशन जो है सॉलिड और लिक्विड
तो 90 डिग्री आ जाएगी एंगल। 90 डिग्री क्यों, ऐसी ड्रॉप नहीं बन सकती क्या? ऐसी बात तुम कर रहे हो यार भाई, पानी ऐसे ऐसे बन जाए इसमें कोई दिक्कत है? जब घुस जाता है बाहर निकल जाता तो खड़ा भी हो जाएगा है ना, वो तो थीटा ही है ना। जब थीटा 80 डिग्री का पॉसिबल है, 50 डिग्री का पॉसिबल है, 120 डिग्री का पॉसिबल है, तो 90 का भी पॉसिबल है। ठीक, इमेजिनेशन की कमी है भैया। खैर, तो ये कह रहे हैं कि जब मैं सरफेस एक्टिव एजेंट यूज करता हूं तो वो सरफेस टेंशन को घटा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वेटिंग बढ़ जाती है। ये यूज हो गया, जैसे मुझे कपड़ा धुलना है तो मैंने साबुन डाल दिया उसमें। दूसरी बात ये, मेरी जो बाहर की दीवार है वो हाइड्रोफिलिक है, तो पानी गिरता है तो उसमें पानी फैल जाता है, तो मेरा पेंट छुड़ा देती है ना, तो मैं उसमें कोई ऐसा केमिकल मिला दूं ताकि वो हाइड्रोफोबिक हो जाए, ठीक है, यानी कि मेरी दीवार के चूने में कोई ऐसी चीज मिला दी गई जिसका वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ये वाटर प्रूफिंग एजेंट हो गया, तो उसके ऊपर जो पानी पड़ेगा वो फैलेगा नहीं, वो सिकुड़ जाएगा, तो सरफेस को अच्छे से गीला नहीं करेगा, तो वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं बहुत देर पहले से दे रहा था, पत्तियों के ऊपर वैक्स का जमा होना। पत्तियों के बारे में तुमको पता है उसमें स्टोमेटा होते हैं, तो अगर पानी उसको वेट कर दे, पत्ती के ऊपर पानी ऐसे फैल जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो बेचारी सांस कैसे लेंगे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, तो इसलिए उनके ऊपर वैक्स की लेयर होती है ताकि वो जो पत्तियां हैं वो हाइड्रोफोबिक हो जाए, पानी उसके ऊपर पड़े तो बढ़िया सी ड्रॉप बना के फटाक से नीचे गिरा दे, ऐसा ना हो कि वो उसी के ऊपर गीली करके उसके स्टोमेटा को बंद कर दे। एक तरह का वाटर प्रूफिंग का काम हो गया, ठीक है। तो जब मैंने वैक्स लगा दी तो सरफेस टेंशन बढ़ गया, ये बात। अब क्या कहते हैं, इसके बाद एक चीज है ड्रॉप्स एंड बबल्स, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में ये चीज देखने जा रहे हैं कि जो ड्रॉप्स और बबल्स हैं उनके अंदर किसी वजह से प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो बाहर का प्रेशर पी एटमॉस्फियर है, तो कोई ड्रॉप है या कोई बबल है, किसी वजह से उसके अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो जो एक्सेस प्रेशर है उसको निकालने के दो तरीके हैं, एक फोर्स बैलेंस और एक वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत से मैकेनिक से सवाल करते थे, उसमें हम क्या करते थे कि चाहो तो NLM से सवाल सॉल्व कर लो और चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर लो। तो जो इन्होंने बुक में फॉर्मूला दिया है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से दिया है, जो लोगों को समझ में कम आता है, इसलिए हम लोग NLM से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी लाइफ ज़्यादा आसान होगी। अंत में रिजल्ट सेम ही आना है, हमें रिजल्ट को ही अप्लाई करना है सब जगह पर, ठीक है। तो फिर से मैं इसके लिए बोर्ड पे आ जाता हूँ। तो क्या हुआ, सपोज करो मेरी एक ड्रॉप है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको हवा में तैरती हुई ड्रॉप बोल रहा हूँ, मतलब मैंने पानी गिरा दिया ताकि मैं इसको स्फेरिकल ड्रॉप बना लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि टेबल के ऊपर रखी ड्रॉप है कि वो ऐसे बन गई है, तो उसके कर्वेचर कैसा है और उस तरह के तमाम फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे, हम लोग एक स्फेरिकल ड्रॉप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइपोथेटिकली इस ड्रॉप को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये जो हेमिस्फीयर है, अगर ये चीज देखें तो वास्तव में इसकी एक इंटरफेस बन रही होगी जिसकी लेंथ कितनी है, 2πr, ठीक है। अगर मैं एटीआर दूं तो एक एक लिक्विड एयर की इंटरफेस बनेगी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr। हेमिस्फीयर का जो सर्कल बनेगा उसका पेरीमीटर, ठीक है, सर्कल के बीच में तो सारा लिक्विड लिक्विड है, लेकिन जो लोग किनारे पे बैठे हैं उनके बीच में तो वो तो एयर लिक्विड इंटरफेस से बैठे हैं ना, तो उनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो यानी कि इस ड्रॉप के ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू है 2πr × s। अगर l लेंथ पे SL फोर्स लगता है तो जो रिंग है
टेंजेंशियली लगता है फोर्स, वो जो रिंग है वो 2πr इनटू s का फोर्स इधर की तरफ लगा रही होगी, ठीक है। अब अगर ये ड्रॉप स्टेशन इधर की तरफ भाग नहीं रही है तो इसका मतलब अगर बाहर प्रेशर p आउट है या p एटमॉस्फियर है कुछ भी कर लो, तो जो अंदर प्रेशर p इन होगा वो p आउट से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से नहीं, अगर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और ये ड्रॉप इधर की तरफ भाग नहीं रही है ये वाला हेमिस्फीयर, इसका मतलब उल्टी तरफ भी फोर्स लग रहा होगा। उल्टी तरफ कैसे फोर्स लगेगा, अंदर जो बल्क होगा उसके उसका प्रेशर ज्यादा होगा, इधर बाहर वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और जो फोर्स लग रहा हो जाएगा वो जाएगा चाहे डेल्टा पी लिख लो चाहे पी इन माइनस ई नॉट लिख लो, वो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर का फोर्स रहेगा, ठीक है। तो फिर से ध्यान से देखते हैं, मेरे पास एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से, हाँ, जिसकी 2 पाई आर सरफेस पेरीमीटर पे 2 पाई आर इंटू टी का इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को ओवरकम करने के लिए अंदर से ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा डेल्टा पी, डेल्टा पी इंटू एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू पेरीमीटर, ठीक है। तो जरा इसको पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आए तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s बाई आर, ठीक। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप 2s बाई आर आ गया, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। इसके साथ एक वर्ड लिख लो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप के साथ में एक वर्ड लिख लो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ऑब्लिक कैविटी। ड्रॉप क्या है, जैसे हवा में एक पानी की बूंद पड़ी हुई है तो ड्रॉप है, और पानी में एक हवा का बुलबुला है तो वो कैविटी है। पानी में के अंदर जो हवा, तो ये पूरा का पूरा पानी है और बीच में एक हवा का बुलबुला है, ऑब्वियसली ट्रांजिएंट होगा, ये ऊपर की तरफ उठ के जा रहा होगा वो अलग बात है। ऐसे बुलबुले में भी क्या होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बाहर प्रेशर कम होगा, और वही सेम रीजन, वही इंटरफेस बन रही है, वही अंदर पानी है बाहर हवा है या अंदर हवा है बाहर पानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर होगा 2s / r, यहां तक कोई समस्या। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ये था एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ऑब्लिक कैविटी, ठीक है। अब अगली बार कह रहे हैं एक्सेस पर प्रेशर इनसाइड बबल। बबल क्या चीज है, जैसे साबुन का बुलबुला होता है, ये अंदर एयर है फिर लिक्विड है और फिर बाहर फिर एयर है, ठीक है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो थिकनेस है मैंने इतनी मोटी दिखाने के लिए बना दी है, निग्लिजिबल है, मतलब अंदर और बाहर वाले दोनों रेडियस बराबर हैं, आर वन आर टू भी हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में थिन होते हैं तो ये बराबर है, तो आर वन इज इक्वल टू आर टू, ठीक है। तो अगर यहां का प्रेशर पी नॉट है तो यहां का प्रेशर पी नॉट प्लस टू एस बाई आर हो जाएगा बाई द सेम लॉजिक, बिकॉज कर्वेचर है इसलिए ये है। और अगर यहां का पी नॉट प्लस टू एस बाई आर है तो यहां पे पी नॉट प्लस फोर एस बाई आर हो जाएगा, क्योंकि फिर टू एस बाई आर का एक्सेस प्रेशर आ जाएगा। तो चूंकि एक बबल में दो इंटरफेस आ गई इसलिए डेल्टा पी की वैल्यू फोर एस बाई आर आ गई, और चूंकि कैविटी या ड्रॉप में एक इंटरफेस आ गई इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा पी की वैल्यू टू एस बाई आर है, तो हर इंटरफेस पे टू एस बाई आर का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा इसलिए फोर एस बाई आर। अलग अलग इंटरफेस है तो सरफेस टेंशन अलग अलग नहीं होगा, सरफेस टेंशन तो ये मान लो पानी है और ये एयर है, तो यहां भी तो एयर वाटर इंटरफेस है,
अलग अलग ही हो सकता है, हो सकता है अंदर अमोनिया भरी हो और बाहर मीथेन भरी हो, है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि अंदर बाहर दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत तमाम की चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहां पर तो मैंने बहुत ज्यादा दिया नहीं है, पर मैं एक चीज बता दूं, एक चीज कहलाती है ओसवॉल राइपनिंग। जैसे तुमने कभी देखा होगा कि जिलेट का झाग बना ले, ठीक है, जब हम जिलेट का झाग बनाते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, ठीक है, जिलेट वो जो दाढ़ी बनाने वाली शेविंग क्रीम होती है, लेकिन उसको रख दे थोड़ी देर में तो बुलबुले बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बुलबुले बड़े बड़े हो जाते हैं, जो पार्टिकल साइज होगा बुलबुलों का वो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें बड़े सिंपल सिद्धांत क्या होता है, मान लो एक बुलबुला है जो कि छोटा सा है और उसके बगल में एक दूसरा बुलबुला है जो बड़ा है, तो इसका जो प्रेशर हो जाएगा वो पी नॉट प्लस फोर एस बाई आर वन हो जाएगा और इसका प्रेशर पी नॉट प्लस फोर एस बाई आर टू हो जाएगा। अब चूंकि आर वन छोटा है आर टू बड़ा है तो नेट नेट क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है इसके अंदर प्रेशर कम है, ठीक है। तो एक बात तो लोग पूछते हैं कि अगर इसका रेडियस आर वन है इसका आर टू है तो इसका रेडियस आर थ्री कितना हो जाएगा, ठीक, क्योंकि तो सरल सी बात है, इसका प्रेशर इतना है इसका प्रेशर इतना है, तो यहां पर डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर एस बाई आर वन माइनस फोर एस बाई आर टू जो कि बराबर 4s by r3 हो जाना चाहिए। तो यानी कि ये जो सरफेस होगी इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 by r1 minus 1 by r2 equal to 1 by r3। अभी न्यूमेरिकल है, मुझे कराना नहीं चाहिए था पर मैंने बता दिया। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये वाला बुलबुले के अंदर प्रेशर ज्यादा है और इसके अंदर प्रेशर कम है तो गैस धीमे से डिफ्यूज होकर के ऐसे जाएगी, पतली सी लेयर है उसकी, तो डिफ्यूजन जब होगा तो क्या होगा, छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की तरफ होगा, तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बुलबुले मरने लगेंगे और जो बड़े बड़े बुलबुले हैं उनको खाने लगेंगे, तो समय के साथ सारे छोटे बुलबुले गायब हो जाएंगे और बड़े और बड़े हो जाएंगे, जिसे समाज में होता है, गरीब आदमी मरता रहता है और बड़ा आदमी और पैसे वाला होता जाता है, तो वैसे ही ओसवॉल राइपनिंग होती है, ठीक है। तो जेई मेन में इस सब पे एक सवाल आया हुआ है, कभी देखोगे तो आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेस प्रश्न ठीक। अब भैया एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है कैपिलरी राइज का, ठीक है, जो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों की शक्ल देख करके ऐसा लग रहा है कि सब लोग सैचुरेट हो गए हैं, तो हम लोग कल एक छोटी सी क्लास लेकर के इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है।